अस्सलाम वालेकुम। हेलो सो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन की थी दैट वाज अबाउट यू नो इन्फ्रेंसेस अबाउट इन्फ्रेंसेस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन difference between two population means two population means और वहां पर हमारे पास जो है सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों नोन थे, लेकिन यहां पर जो बात है हमारी इन्फ्रेंसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स को हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन कल हमारे पास जो केसेस डिफरेंस हुए डिफरेंट डिस्कस हुए थे उनके अंदर सिग्मा वन और सिग्मा टू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द पॉपुलेशन वॉज नोन। लेकिन आज क्या है हमारे पास कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों पॉपुलेशन की वो नोन नहीं है। तो लाइक सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर अननोन, यानी आपके पास दो पॉपुलेशन हैं उनकी मीन के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, इन्फ्रेंसेस बनाना चाह रहे हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स के बारे में, यानी एक म्यू वन है और दूसरी म्यू टू है, दो पॉपुलेशन की मीन है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट म्यू वन माइनस म्यू टू, लेकिन अजम्पशन ये है कि आपको सिग्मा वन और सिग्मा टू यानी दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं है। तो इस केस में हम किस तरह से जो है वो इंटरवल एस्टीमेट करेंगे, नंबर वन इंटरवल एस्टीमेशन कैसे होगी और नंबर टू जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होगी, मेनली मेनली ये दो चीजें होंगी, बाकी छोटे मोटे और भी वेरिएबल्स कंप्यूट करने पड़ सकते हैं हमें, उनको हम देख लेंगे। तो बात यह है कि जब हमारे पास सिग्मा वन और सिग्मा टू नोन नहीं होते तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, फिर वी यूज एस वन फॉर एस सिग्मा वन एंड एस टू फॉर सिग्मा टू। ये एस वन और एस टू क्या है, ये आपको पता है कि एस वन और एस टू जो है ये सैंपल की जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेयर एस वन एंड एस टू आर स्टैंडर्ड डेविएशंस स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशंस व्हिच पॉपुलेशंस पी वन एंड पी टू लेट्स से रिस्पेक्टिवली, यानी आपके पास दो पॉपुलेशन है मैंने उनको नाम दे दिए पी वन और पी टू, तो आपका जो एस वन है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा फॉर द पॉपुलेशन पी वन और एस टू जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल होगा फॉर द पॉपुलेशन पी टू, दो पॉपुलेशन होंगी आपके पास, ये आप यूज करेंगे एस वन और एस टू सिग्मा वन और सिग्मा टू की जगह। और दूसरा जो है वी will use student t distribution instead of z distribution, हम जो है वो t distribution की जगह z distribution use करेंगे। जब भी मैं t distribution की बात करता हूं तो इसके साथ साथ एक चीज होती है degree of freedom, तो जब भी आप बात करेंगे ना कि मैं t distribution use कर रहा हूं तो यू मस्ट स्पेसिफाई के आप जो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करें सीधी सीधी
इस केस में पॉइंट एस्टीमेट कैसे होगा? तो पॉइंट एस्टीमेट इस केस में सीधा सीधा वही होता है जिस तरह होता है पॉइंट एस्टीमेट। पॉइंट एस्टीमेट फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू ये हमेशा एक्स वन माइनस एक्स टू रहेगा हर केस के अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड एरर जो है वो इस केस में चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि अब सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों नोन नहीं है, तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर होगा दैट विल बी स्टैंडर्ड एरर अबाउट या फॉर यू नो म्यू वन माइनस म्यू टू व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर अननोन, तो वो जो होगा उसका फार्मूला आप क्यू यू गिव इट, आपका स्टैंडर्ड एरर है और दिस इट्स मोर लाइक दिस गिवन बाय दिस। एंड पहले हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा वन स्क्वायर अब होगा एस वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस एस टू स्क्वायर ओवर एन टू, ये आपका स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। जस्ट सिग्मा को हमने एस वन और एस सिग्मा वन को एस वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और सिग्मा टू को हमने एस टू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस केस के अंदर आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा? तो अगर आप रिकॉल करें प्रीवियसली हमारे पास जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो हम क्या करते हैं, ये जो आपका स्टैंडर्ड एरर होता है इसको आप जी अल्फा बाय टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी जेड डिस्ट्रीब्यूशन आप अल्फा बाय टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टी यूज हो रही है, क्योंकि हमें सिग्मा वन और सिग्मा टू अननोन है, तो इस वजह से हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है उसको मैं नाम दे देता हूँ एम ई, ये मेरा बराबर हो जाएगा, मैं ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसको मल्टीप्लाई करूंगा टी अल्फा बाय टू से, इसको स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एस वन स्क्वायर ओवर एन वन एस टू स्क्वायर ओवर एन टू। अगर आपके पास पॉइंट एस्टीमेट भी है स्टैंडर्ड एरर भी है और इन पर्टिकुलर आपके पास अगर ये मार्जिन ऑफ एरर है, तो मार्जिन ऑफ एरर है तो फिर आप आराम से जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरवल एस्टीमेट। तो फाइनली वी गिव द फार्मूला फॉर दी इंटरवल एस्टीमेट, या जिसको आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं एस्टीमेट, और वो इंटरवल एस्टीमेट का जो फार्मूला होगा फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, वो आपका हो जाएगा, यानी आप एक्स वन माइनस एक्स टू और इसके साथ आप प्लस माइनस करते हैं मार्जिन ऑफ एरर, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर बराबर है टी अल्फा बाय टू के इनटू एस वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस एस टू स्क्वायर ओवर एन टू। तो अब आप इंटरवल एस्टीमेट जब भी आपको फाइंड करना होगा यू विल डायरेक्टली गो फॉर दिस, तो यहाँ आपके पास इंटरवल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है और वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रही है टी अल्फा बाय टू, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप यूज करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी इसका एक बहुत ही जो है ना वो आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसको आपने याद करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप यूज करेंगे इस केस के लिए डिफरेंस ऑफ टू मीन्स के केस में, जब सिग्मा वन सिग्मा टू नो नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर यू नो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी होगी वो होगी डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू, दिस इज यू नो क्रेजी थिंग, एस वन स्क्वेयर ओवर एन वन प्लस एस टू स्क्वेयर ओवर एन टू ऑल ऑफ दिस स्क्वेयर एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वन ओवर एन वन माइनस वन एस वन स्क्वेयर ओवर एन वन अगेन दिस स्क्वायर प्लस वन ओवर एन टू माइनस वन, ये एन टू है माइनस वन, ये एस टू स्क्वेयर ओवर एन टू ऑल ऑफ दिस स्क्वेयर। या अगर इसको मैं
आपको बुक से लेकर दिखा दूं। Let me give you this expression. Yeah, so that's the expression here. जो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यूज होगी दैट विल बी दिस क्रेजी यूनो फार्मूला दिस वन। सो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला यूज होगा। तो आपके पास अगर स्टैंडर्ड एरर है, मार्जिन ऑफ एरर है, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो फाइंड कर लें, इंटरवल एस्टीमेट। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके अंदर हम जो है वो इंटरवल एस्टीमेट की बात करेंगे कि किस तरह से जो है ना वो उस केस में हम इंटरवल एस्टीमेट फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास जो है दैट इज रिलेटेड टू बैंकिंग। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक बैंक है जिसका नाम है क्लियर वाटर नेशनल बैंक, दैट्स अ बैंक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपका बुक में भी गिवन है। लेट मी टेल यू ऑन व्हिच पेज यू कैन फाइंड इट। ओके, सो यू कैन फाइंड दिस एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 489, 489 टू, मैंने पेज 489 टू 490, मे बी 491 तक चला जाए। ये इस पेज पर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एग्जाम्पल है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो इट सेज दैट क्लियर वाटर नेशनल बैंक इज कंडक्टिंग, क्लियर वाटर नेशनल बैंक इज कंडक्टिंग अ स्टडी डिजाइंड टू आइडेंटिफाई the differences between checking account balance, checking account practices at two of its branch, यानी इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जो है वो लोकेटेड है एट चेरी ग्रोव और दूसरी ब्रांच जो है वो आपकी है एट बीच माउंट। ये दो ब्रांचेस हैं और दोनों ब्रांचेस के अंदर आप देखना चाह रहे हैं कि चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस का डिफरेंस क्या है, यानी मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस। तो अगर सैंपल्स की बात करें, यहाँ पर N1 जो है वो 28 लिया जा रहा है, सिंपल रैंडम सैंपल, और यहाँ पर N2 जो है वो सिंपल रैंडम सैंपल 22 लिया जा रहा है। और यहाँ पर यह आपका सैंपल है फॉर बोथ, और उसके बाद आपके पास जो मीन है सैंपल की वो भी दोनों की आपने चेक कर ली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस आ रहा है कस्टमर्स का वो है S1 बार जो के बराबर है, सॉरी X1 बार जो के बराबर है 1024.5। यहाँ पर जो मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ कस्टमर्स है वो है X2 इक्वल टू 910। ये भी US डॉलर्स में है, ये भी USD में है, और दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस का भी आपको पता है। S1 इक्वल टू 150, S2 इक्वल टू 125 डॉलर्स। देखिए यहाँ पर σ1 और σ2 नहीं है, लेकिन S1 और S2 हमारे पास आराम से आ सकती है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं S1 और S2? जस्ट वी विल सी डेटा। यहाँ पर N28 जो थे इनसे हम ये दोनों अचीव कर सकते हैं, यानी बोथ ऑफ दिस
सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर भी हम आराम से जो है ना वो सैंपल डेटा के लिए, तो इस केस में हमारे पास सिग्मा वन और सिग्मा टू अननोन है। तो जो क्लियर वाटर बैंक है वो क्या करना चाह रही है, वुड लाइक टू एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन द मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस मेंटेन्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ क्रूव कस्टमर्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ बीच माउंट कस्टमर्स। सो व्हाट दे वांट टू डू, सो दे वांट टू डू यानी द बैंक जो है वो वांट्स टू या वुड लाइक टू एस्टीमेट, क्या करना चाह रहे हैं, वुड लाइक टू एस्टीमेट डिफरेंस बिटवीन द मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस मेंटेन्ड बाय कस्टमर्स ऑफ बोथ ब्रांचेस। यानी आपके पास दो ब्रांचेस हैं, उन दोनों ब्रांचेस के अंदर आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं किस चीज का, मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस जो के कस्टमर्स मेंटेन कर रहे हैं, और उसका डेटा ऊपर आपके पास यहाँ अवेलेबल है कि यहाँ पर जो मीन चेकिंग अकाउंट बैलेंस है वो 1025 है, यहाँ पर 910 है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, और जो सैंपल आपने लिया है वो 28 और 22 है, दोनों अलग अलग दोनों ब्रांचेस के ऊपर। तो अब हमारा काम होगा इंटरवल एस्टीमेट फाइंड करना और मार्जिन ऑफ एरर सारा कुछ फाइंड करेंगे, और फिर हम उसके बेसिस पर जो है वो चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो लेट्स लेट्स से यू नो पॉइंट एस्टीमेशन क्या होगी इस केस में, पॉइंट एस्टीमेशन यानी पॉइंट एस्टीमेट जो होगा वो सिंपल होता है x1 bar - x2 bar, और ये बराबर हो जाएगा आपका x1 bar, इस केस में आपके पास 1025 है, और x2 bar है 910। तो ये कितना आंसर आएगा जरा बताएं, 115 क्या? यस, हाउ मच? सर 115। फाइन, ये आपका पॉइंट एस्टिमेट है $115, यानी डिफरेंस इतना पॉइंट एस्टिमेशन से आ रहा है। और फिर हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं सेकंड नंबर पर, और स्टैंडर्ड एरर का आपके पास सीधा सीधा फार्मूला पड़ा हुआ है। स्टैंडर्ड एरर बराबर होता है σ1 - σ2 bar इक्वल टू S1 square over N1 plus S2 square over N2, विच इज लाइक S1 हमारे पास जो है वो कितना था S1, लेट्स सी 150 और 125, यानी 150 डिवाइड और इसका स्क्वायर और 125 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो सैंपल लिया जा रहा है वो है आपका 28 और वहां पर 22, करके दिखाएं जरा क्या आंसर आएगा, 28 और 22 करके दिखाएं जरा ये क्या आंसर आएगा। अल्लाह पर, बताएं यस डियर,
किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है। आंसर 38.91। ओके सो लेट्स बिलीव दिस 38.91। ये आपकी स्टैंडर्ड एरर है और इसके एकदम बाद आप फाइंड करेंगे मार्जिन ऑफ एरर, दैट इज मार्जिन ऑफ एरर। और मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपका, उसका फार्मूला भी आपके पास गिवन है, वो आपका है। आप क्या करते हैं, टी अल्फा बाय टू को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड एरर से, जो कि होता है एस वन स्क्वायर बाय एन वन और एस टू स्क्वायर बाय एन टू। लेकिन आप जब बात करते हैं ना ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो होती है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी यूज कर रहे हैं और अल्फा वैल्यू क्या है। तो इस एग्जाम्पल के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो 95% कॉन्फिडेंस वाली है, यानी 0.95 और 0.05। तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड टी 0.05 डिवाइड बाय टू, जो कि है टी 0.025। लेकिन ये वैल्यू कहाँ देखें, कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड करना लाजमी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए और वो ऊपर हमने लिखा हुआ है, दैट इज यू नो लेट मी राइट डाउन हेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला अगेन, एंड इट इज गिवन बाय एस वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस एस टू स्क्वायर बाय एन टू, ऑल ऑफ दिस स्क्वायर, वन ओवर एन वन माइनस वन एस वन स्क्वायर ओवर एन वन स्क्वायर, वन ओवर एन टू माइनस वन एस टू स्क्वायर ओवर एन टू स्क्वायर। जरा पुट करें, एस वन की वैल्यू आपको याद है 150 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन 128 है, एस टू जो है 125 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 22 और इस पूरे का स्क्वायर, और ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वन ओवर एन वन माइनस वन, यानी 28 माइनस वन और 150 स्क्वायर डिवाइड बाय 28, फिर इसका स्क्वायर वन ओवर 22 माइनस वन एस टू, यानी आपके पास है 125 स्क्वायर डिवाइड बाय 22 एंड देन ऑल ऑफ दिस स्क्वायर। कंप्यूट दिस क्वांटिटी, कंप्यूट दिस क्रेजी क्वांटिटी एंड टेल मी व्हाट द आंसर इज, क्या आंसर होगा बताएं। जल्दी करें, कंप्यूट करें। लेट्स डू इट टुगेदर ऑन सिंपल एरर। एक है कैलकुलेटर, डायरेक्टली उस पर कंप्यूट करते हैं इसको। लेट मी डू इट हियर। सो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बराबर है, पहले आपके पास एक ब्रैकेट है और उसके अंदर आपके पास जो है वो एस वन स्क्वायर ओवर एन वन है, यानी 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन वन, यानी 150 स्क्वायर डिवाइड बाय 28 प्लस, और यहाँ पर आपका 125 और 22, 125 22 एंड ऑल ऑफ दिस स्क्वायर, और फिर डिवाइड बाय इसको डिवाइड कर रहे हैं आप वन ओवर 28 माइनस वन यानी 27, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 स्क्वायर डिवाइड बाय 28 यानी 27 स्क्वायर, और फिर आपके पास है प्लस 1 ओवर, ये 21 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, बट नो दिस इज 28 एंड दिस इज 22, तो दैट्स द क्वांटिटी देयर। ये आ रहा है 47.8, नजर आ रहा है ना।
47.8. Let me put it here, one more step. और आपके पास ये हो जाएगा 150 स्क्वायर डिवाइड बाय 28 प्लस 125 स्क्वायर डिवाइड बाय 22, ऑल ऑफ दिस स्क्वायर 1/27 इनटू 150 स्क्वायर ओवर 28 स्क्वायर प्लस 1/21 125 स्क्वायर ओवर 22 एंड ऑल ऑफ दिस स्क्वायर. और फिर आपके पास जो है वो कैलकुलेटर आप यूज करेंगे और आपके पास ये रिजल्ट आएगा जो कि है 47.8 आएगा आपके पास. तो जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 47.80 आएगा, जिसको आप एक डिजिट नीचे लेंगे, यानी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कंसीडर करेंगे वो नीचे वाला केस, यानी 47. सो 47 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. और इसके बाद आप जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर चेक करते हैं. अब हमारा काम है फाइंड करना टी ऑफ 0.025, ये किसके बराबर है. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जो है वो 47 है. अच्छा चल देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 47 के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है टी ऑफ 0.025 ये कितनी है. लेट मी सी, ओके लेट मी सी. आपको टेबल गिवन होगा लेकिन हम ऑनलाइन इसको चेक करते हैं. Someone says TF is degree of freedom. Okay, so let's try here. Degree of freedom 47 है. 47 है और T score हमें चाहिए 0.025 का. 0.50992 क्यों आ रहा है. 5 सैंपल मीन था ये. ओके दैट्स नॉट समथिंग गुड. 2012 आ रहा है. यस हमने लास्ट टाइम शायद ये किया था. आई डिडंट गिव दिस अच्छा इसको आप चेक करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने किया था. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. अगर आप क्लास में कर रहे हैं तो आपको टेबल एग्जाम में आपको टेबल दिया जाएगा, और अगर बाहर आप कर रहे हैं तो आप इसका आराम से जो है ना, वो लास्ट टाइम भी हमने किया था कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को और ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं. तो समबडी हैज गिवन राइट आंसर एंड इट सेज दैट टी ऑफ 0.025 जो है वो बराबर आ रहा है 2.012 के. तो इसका मतलब अब जो मेरा इंटरवल एस्टीमेट होगा या कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, इंटरवल एस्टीमेट कहूँ मैं उसको या कॉन्फिडेंस इंटरवल कहूँ, दिस इज गोइंग टू बी x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर. यानी पहले मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट करना था हमें वो ऊपर यहाँ पर, ठीक है. तो ये मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, इससे पहले मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट कर लेते हैं फिर इंटरवल एस्टीमेट को देखते हैं. तो हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर होगा वो बराबर होगा टी 0.025 इनटू ये एस वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस एस टू स्क्वायर ओवर एन टू, इसकी वैल्यू आपके पास है 2.012. और ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ये भी आपने थोड़ी देर पहले कंप्यूट की है, और वो जो स्टैंडर्ड एरर आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी 38.91. तो उसकी वैल्यू यहाँ रखें 38.91 की.
करें जरा इसको मल्टीप्लाई और बताएं कि ये मार्जिन आखिर क्या आ रहा है। पॉइंट जीरो वन टू मल्टीप्लाइड बाय 38.91, ये इट्स लाइक इट्स अप्रोक्सीमेटली 78.287। सो लेट मी राइट इट 78.28 या 29 कर देते हैं इसको। ओ फाइनली वी आर रेडी टू फाइंड दी इंटरवल एस्टिमेट, या जिसको आप कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं जिसको आप। सो नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट होगा x1 - x2 बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब ये x1 - x2 बार, ये तो आपको पता है कि क्या है। x1 आपका था $1,025 और ये था $910। तो इसमें प्लस माइनस करना है मार्जिन ऑफ एरर, जो कि है 78, रफली 78 ही रख लेता हूँ मैं इसको, या आप रखें तो 29 करते हैं। तो अब आप इसका अगर डिफरेंस फाइंड करें तो ये आपका 115 है, 78.29। तो इसका मतलब 115 में प्लस या माइनस ये होगा 78.29, और ये आपका यहाँ पर प्लस भी होगा 115 में 78.29। ये तो हो जाएगा 193.29। ये जरा करें 115 में से माइनस करें। यस समबडी इज आंसरिंग 36.71। यस, तो इसका मतलब है कि विद 95% श्योरिटी, यानी वी आर 95%। पहले तो आप कहें कि इसका जो इंटरवल एस्टीमेट है वो होगा 36.71 से लेकर 193.29 तक, ये आपका इंटरवल एस्टीमेट है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको आप कहते हैं वो ये है आपका। अब आप इसको इंटरप्रेट करें तो यू कैन से दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द डिफरेंस ऑफ चेकिंग अकाउंट बैलेंस maintained by the customers या clients जो भी हैं at both branches ranges in या आप कह सकते हैं ranges from 36.71 डॉलर्स टू 193.29 डॉलर्स। ठीक है, दैट वाज समथिंग, यू नो हमने ये क्या किया, हमने ये इंटरवल एस्टीमेट फाइंड किया फॉर द केस व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर नॉट नोन। इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे, अगला सवाल ये होगा कि अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों अननोन है तो फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लेट मी स्टार्ट अ न्यू मीटिंग बिकॉज इट्स अबाउट टू एंड। मैं अभी लिंक भेजूंगा, आप ज्वाइन कर लें दोबारा से, क्योंकि टॉपिक चेंज हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू हैव अनदर वीडियो।